भैया खाना कैसा लगा? चुदी पड़ी है भैया, आपको खाने की पड़ी है। आप बताओ। सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ? अरे पड़ी है तुम्हें, व्लॉग की पड़ी है। खाना बताओ भैया। आज हमने खाया पराठा मक्खन नहीं पानी के साथ। मैंने तो खा लिया खाना और मेरे हिसाब से तो ठीक है, अपन तो खा लेते हैं, बाहर ही रह रहे हैं 6 साल से। 2000 रुपए गांड डाल देंगे। हम लोग अभी रुके हुए हैं, करीब 3:30 बजी हुई है, चाय पी रहे हैं। बाकी जनता ये रही हमारी, वो देखो वो भी हमारे साथ में है। बढ़ गई है भयंकर वाली। हाँ इनसे मिलिए। यहाँ बहुत ठंड है और उल्टी आए जा रही है। अभी तक तो पहाड़ भी नहीं आया, इसको उल्टी आ रही है। क्या कर रहे हो? बोले हाय फक यू। किसको? सबको। किसको? सब्सक्राइबर्स? नो। अच्छा सब्सक्राइबर्स के लिए बोल कुछ। बिल्कुल सबसे ज्यादा बहुत चूत आदमी है। हाय ग्रिल्स। और वो घंटे वाला बटन बिल्कुल मत दबाना, आपकी नोटिफिकेशन में आपको गलती। भाई लोग अभी हम आ गए हैं धर्मशाला, यहाँ से 1 घंटा लगेगा हमको ट्रैक पे जाने के लिए। फिलहाल हम रुके थे इस जगह पे, थोड़ा मतलब ब्रश वश कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। अब जाना है इस तरफ ट्रैक के लिए। बिल्कुल ट्रैक चालू हो चुका है और अपन मिलते हैं नीचे। कैसा महसूस हो रहा है? एकदम मस्त, मजा आ रहा है। गाली नहीं देने का वो, और बोले तो नजारा देखो भाई लोग। हमारा नहीं ये भाई, इन भाई की बात सुनो एक बार, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो वादियां देख रहे हैं यहाँ होती है खुदाई। कौन सी वाली? रात को होती है। कौन सी वाली? जेसीबी वाली। ट्रैक स्टार्ट हो गया है पर अभी अपन थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं, अपना इंस्ट्रक्टर आ रहा है तो अपन बात करते हैं इतनी देर। याखते इस भाई से। आप वादियाँ देखिए, इनको वादियाँ दिखाइए। आप जब वादियाँ देख रहे हैं ना, और ये जो बंदा देख रहे हैं आप, दिखाइए इन्हें बिना। ये प्रजाति बहुत ही कम है, लुप्त होने की कगार पे। सो देखते हैं इनको भी बाद में। लो भाई, वैसे तो ये अपना एकदम पहला ट्रैक है पर मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं, अभी ऊपर बर्फ तो मिलनी नहीं है पर देखते हैं। टेम्परेचर तो कम हो गई, क्या बोलते हो आतिश भाई? गधे की होगी, कुछ नहीं होगा ऊपर भी। हम लोग चालू ही किए और ये लोग का आदत देखो, ये देखो सारे फटके। 4-8-16 हो गई है भाई, देख लिया ना, सुन लिया, ये हालत है। टफ है भाई, टफ चन्ना, वो टफ है। ये देखो ये लोग की हालत अभी खराब हो गई, जिसमें इतना ही आए हम लोग, बस इतना आए। ये देखो लोग हालत हो गई है भयंकर टाइट। चले हम थोड़ा सा ही हैं बट मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा चढ़ गए, क्योंकि शायद वजन बहुत ज़्यादा ले लिया बैग में। और आधे लोग आगे चले गए, हम लोग रेस्ट कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग आगे। थोड़ा सा रेस्ट किया है अभी, अब वापस चढ़ना चालू करेंगे। वैसे थकान उतनी ही है बट अभी फिर चढ़ेंगे और देखते हैं, रेड बुल खोलेंगे। अब हम लोग रुके हुए हैं फिर से
चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, 7 किलोमीटर है वैसे, बट थकान वाली है, खड़ी चढ़ाई। हम लोग रुके हुए हैं शिवा कैफे पे, और यहाँ कुछ हमारे पुराने लोग इधर थक गए हैं। जरा इधर देखा भाई, थोड़ा इनका प्रॉब्लम हो गया है, पैरों में दम नहीं बचा इनके, वैसे सांस तो हमारी फूल रही है। पर एक रेडबुल लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अपन विस्की पियेंगे। हाँ हाँ मस्त है। सिर्फ 2 किलोमीटर चढ़े, हालत देखो। मैं सबसे आगे हूँ वैसे, बाकी लोग मेरे साथ 6 लोग और हैं जो पीछे हैं, मेरे से काफी पीछे हैं, तो अभी वेट कर रहा हूँ मैं उनका। हालत खराब हो गई है भाई, बहुत बुरी। बट व्यू एक नंबर है, एक नंबर है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बढ़िया है, मतलब लोग भी बहुत हैं और सब कुछ बढ़िया है। अब बस ये लोग आ जाएं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक रेस्ट करते हैं भाई लोग। हम लोग वहां से आ रहे हैं, वहां से ये देखो। A few moments later. Action. क्या बोलना, क्या कैसा फील हो रहा है? फटी पड़ी अपनी, और पैसा बर्बाद, और मेरे को रिफंड चाहिए। बोलता जा, मेरे को रिफंड चाहिए भाई। हाफ भी चलेगा, 650 भी चलेगा, आगे डिनर भी नहीं खाऊंगा। बोलता जा, बोलता जा, कमान। नहीं ठीक है, उतर भी मैं डायरेक्ट जाऊंगा। पैराग्लाइडिंग है या? इतना दूर से आए भाई, पीछे देखो, इतना दूर से। और ये हमारा कैंप साइट है, ये ठीक है। तो आधा ट्रैक हो गया हम लोग का पूरा, मतलब आधा हुआ है अभी, हम जा रहे हैं ऊपर टॉप, करीब करीब 7 किलोमीटर, और अब अभी हालत करीब करीब 8 किलोमीटर और होगा, और डिपेंड करता है हम कितना चढ़ पाते हैं वैसे तो। बाकी तो देखो टाइम भी कितना जल्दी चढ़ जाते हैं उतना है, ज़्यादा ऊपर गए तो स्नो मिलेगी थोड़ी बहुत। अपने को स्नो लाइन टच करनी, हाँ स्नो लाइन टच करनी है, टारगेट ये है। देखते हैं ऊपर जाते हैं एक बार फटाफट। ठंड भी बढ़ गई है और थकान भी, और हाइट भी भयंकर हाइट है भाई। लोग फाइनली अपन पहुंच गए, ठीक है, अपने पॉइंट पे, डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए इतना अपन चले। करीब करीब अपन 16 किलोमीटर चले होंगे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गए। भाई क्या नजारा है यार, ये अपना भाई है रोहिन, ये बनाते ब्लॉग, गाड़ ब्लॉग यार। देखो ओ अच्छा पत्थर है गाइस, ये पत्थर है, यहाँ से हम उतरते हैं। मोबाइल कैच कर एक बार गाइस, सॉरी ये GoPro 8 है, मैं मोबाइल बोल दिया गलती से।